तो आइए आज मैं आप लोगों को अपने कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है ये दिखलाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपका प्रश्न है जो एक्सरसाइज 1.2 से है। यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यह वीडियो न्यू बैच तथा ओल्ड बैच दोनों के लिए है, क्योंकि ओल्ड बैच जो है उनका एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, और न्यू बैच के लिए तो सारा A to Z पढ़ना ही है। तो 1.1 का हो गया है सारा। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में प्रवेश करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और पीछे सभी छात्र छात्राएँ बैठ कर अपना अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है पहला का 140, 156, 3825, 5005, ये सब प्रश्न है। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड जो है, जैसे वैसी संख्याएं जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं अभाज्य संख्याओं के पद में ये सारे जो दिए हुए हैं नंबर, ये इनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहली संख्या होती है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5। अब ध्यान दीजिएगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाता है। 5 के बाद 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाजित होता है 9, तो 11। इस रेस्पेक्ट में ये बढ़ते जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसी संदर्भ में अभाज्य गुणनखंड को प्रत्येक संख्याएं जो दी गई हैं, तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम तोड़ेंगे इनको। तो यहाँ दिया हुआ है 140, तो पहला प्रश्न यहाँ हल करते हैं। पहला प्रश्न है 140, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ 140 रफ में ये कर लेंगे, पहले 2 से देखेंगे क्या हो रहा है। तो 2 से ये कटेगा, विभाजित होगा, क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से क्या हो जाएगा 35, फिर अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये हुआ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 140 बराबर क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7। अब यदि कोई संख्या जो अभाज्य संख्या है 2 बार आ रही है, तो उसको पावर के रूप में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ 2 बार आया है, गुणा 5 × 7, 5 × 7 एक बार है, तो इनको एक बार में ही लेके छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 140 को हमने क्या कर लिया, यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि कुछ भी है नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट करें, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये 1.2 अर्थात दूसरा एक्सरसाइज हम लोग न्यू बैच के लिए पढ़ रहे हैं, ओल्ड बैच भी इससे लाभान्वित होंगे, मैंने पहले भी कहा है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, बाकी सब प्रश्न इसी आधार पर आप स्वयं बनाएंगे, अन्यथा समय ज़्यादा लगेगा। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस 5 से 7 मिनट में किन्हीं संख्याओं का LCM तथा HCF निकालना सीख जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है। और ये जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM और HCF जो निकालना है, ये बहुत आगे तक अर्थात कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी आया करता है। तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ है 156, दूसरा का 156, चलिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ है 156 लिख देंगे, 2 से यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा 7 × 8 = 78, 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14, 15, फिर क्या होगा, फिर 2 से करेंगे, क्या होगा यहाँ तो 3 × 9, फिर अब क्या होगा 2 से नहीं होगा, तो 3 से कर लेते हैं 13, अब तो अभाज्य है तो बंद हो जाएगा, क्रिया का अंत कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 156 को अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 2 × 2 × 3 × 13, ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर 2 2 बार है, तो पावर के रूप में पहले देख लेंगे, तो 2 केवल है जो 2 बार है, तो 2 का पावर 2 × 3 × 13,
ये हो गया 156 का, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इस तरह से अन्य सारी जो संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, आप सेल्फ स्टडी के रूप में इसको लें और प्रैक्टिस करें, मुझे आशा है आप बना लेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। सबसे पहली बात है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका LCM तथा HCF ज्ञात करना है और फिर सत्यापित करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 है और 91 है, तो चलिए पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर ताकि बेहतर समझ में आए। 2, 13 और 91 है, तो यहाँ 91, 7 और यहाँ हो जाएगा 13, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न, पहला में है 26, तो 26 का क्या लिखेंगे, 2 × 13। ठीक है, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 7 × 13। अब देखिए यहाँ LCM में ध्यान देने वाली बात है, बस ये एक लाइन समझ लेंगे, कोई भी आप LCM अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं लिखी गई हैं कितने प्रकार की हैं, और दूसरा स्टेप उन सभी संख्याओं का अधिकतम घात क्या है, बस ये दो चीज़। तो चलिए आइए देखते हैं कितने प्रकार की हैं, तो यहाँ लिखेंगे LCM, LCM बराबर दोनों मिला के, अगर तीन संख्या होती तो तीनों मिला के, तो 1 है 2, 13, 7 और 13 तो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 × सबको गुणा में लिखेंगे 7 × 13, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में 2, 7, 13 के अलावे और कोई संख्या नहीं आई है। अब बात करते हैं इसके घात की, तो घात 2 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 7 का 1 है, 13 का 1 है, तो सभी का 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो इतना ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि 7 × 14 × 13, ये 14 में 13 से अब गुणा कर लेंगे, जो आए उसे लिखेंगे, तो यहाँ 14 में 13 से गुणा किया गया तो कितना आ गया, 182, तो यहाँ लिख देंगे 182, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अब HCF निकालने में क्या करना है, तो जैसे कॉमन निकालते हैं, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें बस इतना ही देखना है, ये आसान है। तो 13 दोनों में है तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 13। यहाँ अब दूसरा में क्या है, तो हमें निकालना है 510 और 92, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, तो 510 यहाँ 2 होगा, क्या होगा, 2, 5, 5 फिर होगा 5, तो 5, 1 फिर क्या होगा, 3 और यहाँ हो जाएगा 17, तो यहाँ क्या लिखेंगे देख लीजिए, 2, 5, 3, 17, तो हम सजा के लिख देते हैं 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब 92 का देखते हैं, 2 यहाँ हो जाएगा 46, फिर होगा 2, 23, अब 23 का तो होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये 23 पे जाके रुक गया, यहाँ होगा 2 × 2 × 23, ये हो गया। तो यहाँ अब देखते हैं कि 2 जो है 2 बार है, तो घात के रूप में व्यक्त कर देंगे इसको, 2 का पावर 2 × 23, ये हो गया, स्पष्ट है। अब देखिए अगले स्टेप में अब क्या होगा, यहाँ पर निकालना है हमें LCM, ठीक है, तो LCM कितने तरह की अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 17, फिर है 23, अर्थात इतने प्रकार की यहाँ अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और अधिकतम घात 2 का यहाँ है 1, लेकिन यहाँ क्या है 2, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं यहाँ हैं सबका घात दोनों मिला के 1-1 है, तो 1-1 ही रहने देंगे। अब गुणा कर लेते हैं क्या होगा, 2 का पावर 2, तो 2 × 4,
चढ़ती है 12, 12 पचे 60, तो ये हो गया 60 × 17 × 23, ये हो गया। और सबका गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणा हो गया, देखिए 17 × 6 × 23, तो 17 में 6 से गुणा करेंगे तो 102 हुआ, यहाँ 0 बैठा लेंगे, यहाँ 23 से करेंगे तो इतना हो गया 2346 और 10 यहाँ रख देंगे क्योंकि ये 0 बाकी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2346 पर 10 हो जाएगा, ये इसका LCM हो गया। HCF क्या होगा, तो देखिए यहाँ दोनों में क्या है, तो एक तो यहाँ 2 है और क्या है 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है और 23 इसमें नहीं है, तो क्या होगा केवल 2 उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ होगा वो कर लेंगे। अब प्रश्न ये भी कह रहा है, पहला में हम लोग नहीं किए हैं, दूसरा में कर लेते हैं, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये आप दिखाइए। तो देखिए यहाँ यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या कितना है 510 गुणा 92 गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 510 है और 92 है 46 92 0, इतना होगा यहाँ, इतना होगा, तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या इतना आ गया। अब LCM गुना HCF ये दिखाना है, तो LCM कितना आया है हम लोगों का, यहाँ आया है 23460, तो 23460 और गुना HCF कितना आया हुआ है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, जब गुना करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा 46920। अब यहाँ लिख देंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, तो ये सत्यापित करना है, तो ये जो हमने यहाँ दिखाया है जांच, ये क्या है, ये है जांच, कैसे हम जांच करके बता रहे हैं, तो ये जांच सबका कर लेना है, तो एक और ये 2 आपने देख लिया, मुझे आशा है कि तीसरा आप स्वयं से बना लेंगे, अगर नहीं भी आएगा तो कोशिश कीजिए, इसका जो अगला प्रश्न है 3रा नंबर वो इसी पे आधारित है, उसमें 3 संख्याएं दी गई रहेंगी तो और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही समाप्त करते हैं, मुझे आशा है कि ये अच्छा लगा होगा, कोई समस्या है तो कमेंट करें, धन्यवाद।